करकुमिन और सेक्स लाइफ, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। करकुमिन मतलब हल्दी, टर्मेरिक। क्या कि बचपन से हमारे घर में करकुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। कोई सर्दी जुकाम खांसी हो गया तो हमारी माँ दादी हमको गुड़ और हल्दी इसका मिश्रण करके उसके उसकी छोटी टैबलेट बना के देती थी और खाओ, गला साफ हो जाएगा, सर्दी ठीक हो जाएगी, मतलब इस तरह का। हल्दी हमारे सब्जियों में भी वापरी जाती है और अलग अलग जो मसाले उसमें भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। दाल बनाते उसमें सब्जियों में हल्दी का वापर किया ही जाता है। हल्दी में करकुमिन है, करकुमिन, करकुमिन नाम का जो द्रव्य है, मतलब जो सब्सटेंस है उसमें, टर्मेरिक, और वो बहुत ही अच्छा है। वो करकुमिन को सूजन के विरोधी काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए करकुमिन बहुत ही जरूरी है बॉडी में। अब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ब्लड सर्कुलेशन वो सभी तरह अच्छा करेगा, सभी जगह अच्छा करेगा, तो पेनिस में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे कि इरेक्शन में बहुत फायदा होता है। करकुमिन का इफेक्ट ये भी है कि टेस्टोस्टेरोन की लेवल भी जो लोग करकुमिन ले रहे थे उनमें ज्यादा पाई गई है, टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन है। और स्टडीज ऐसा भी बताती है कि करकुमिन यदि लेडीज को या महिलाओं को, तो महिलाओं में भी सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। करकुमिन को बताते हैं कि सेक्स की इच्छा बढ़ाने वाला टॉनिक, एक्चुअली वो सेक्स की इच्छा बढ़ाता है, सेक्सुअल आनंद बहुत ज्यादा आता है, और अपना जो सेक्स बिहेवियर उसके ऊपर भी वो असर करता है। तो 1 ग्राम, 1 ग्राम टर्मेरिक मतलब 1 ग्राम हल्दी यदि आप 1 कप दूध में डालते हो तो उससे सेक्सुअल प्लेजर या सेक्स लाइफ आपका बहुत अच्छा बन सकता है। और ये कामसूत्र में भी दिया हुआ है, कामसूत्र में, कि भाई हल्दी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। करकुमिन का प्रॉब्लम क्या है कि करकुमिन जब हम लेते हैं, हल्दी लो दूध में डाल के या हल्दी और गुड़ मिला के ले लो, उसके गोले बना के, जैसा भी या सब्जी में जितना भी ज्यादा ले सकते हो उतना, प्रॉब्लम ये है कि उसमें का बहुत थोड़ा सा ही एब्सॉर्ब होता है पेट में से, बाकी ज्यादा वेस्ट होता है। तो यदि आपको पूरा करकुमिन मतलब हल्दी पूरी एब्सॉर्ब कर लेना है ब्लड में, तो उसमें 1 चिमटी ब्लैक पेपर डालना जरूरी है, ब्लैक पेपर। और वो ब्लैक पेपर आप डालते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि ब्लैक पेपर में रहता है पिपरिन, और पिपरिन जो है वो करकुमिन को एब्सॉर्ब जल्दी कर लेता है बॉडी में। तो आप क्या करोगे, हल्दी में थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दो, ब्लैक पेपर डाल दिया तो उसमें उसका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें करकुमिन मतलब हल्दी, ब्लैक पेपर, और इसमें यदि आपने हनी मध और कोकोनट ऑयल मतलब खोबरे का तेल वो थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया तो पूछे बहुत ज्यादा एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये सब हम एक साथ मिलाते हैं कि थोड़ा मध है, हनी है, शहद, थोड़ा कोकोनट ऑयल, थोड़ा थोड़ा डालने का है, 1 चिमटी ब्लैक पेपर और टर्मेरिक, आपके सेक्स लाइफ के ऊपर बहुत अच्छा फायदा होगा। टर्मेरिक जो है वो फैट सोल्युबल रहने के हिसाब से यदि ऑयल उसमें डाल दे तो फटाफट एब्सॉर्ब हो जाएगा। और हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी यदि आपकी डेफिनेटली है, हेल्दी बॉडी भी है, हेल्दी माइंड भी है, और आप इस तरह का ये हल्दी लेते हो 1 ग्राम कम से कम रोज, तो डेफिनेटली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगी, इरेक्शन में फायदा हो जाएगा, सेक्सुअल बिहेवियर भी अच्छा हो जाएगा। तो घर में बैठे बैठे ये इलाज हो सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम सस्त और मस्त तंदुरुस्त होने वाला इलाज है। थैंक यू वेरी मच।